जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मलिक अफजल और मैं आपको वेलकम करता हूँ हेलो पाकिस्तान में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी शायर नामवर शख्सियत मीसम खोकर साहब। आइए आज इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं दिलों के हाल। अस्सलाम वालेकुम जी मीसम भाई। वालेकुम सलाम अफजल भाई, सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाओ मीसम भाई, क्या हाल है, खैर खरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ऐसे दिन ही बहंदे पे हैं। अच्छा मीसम भाई, आज साढ़े व्यूवर्स नू कोई ना जी कोई अच्छी जी गप सुनाओ। गल्लां साई सारिया ही अच्छिया जिन्हें ते इंसान अमल करे, नहीं तो चंगी गल्लां तो वद कदां ते ढेर लिखी हुई होंदियां। बेहतरीन चीज़ यह है कि उसकी रहमत तो जिंदगी कभी मायूस या ना उम्मीद ना हो और किसी नू कसेरा जान के कभी उन्हें छोड़ो नहीं। जेड़ा तो सब वक्त आलें दा खुदा है और गरीबां दा ही खुदा है, हो सकता कल तो वाद उन्हें चे देवे। हमेशा आपने तो अगले नू अफजल ते अच्छा समझो, अफजल ते अच्छा समझो, लेकिन इंसानी अकदार है उसकी कदर करो। भावे वो माड़ा है गरीब है, इंसान है ना, खतावा का पुतला, गलती हो बैंदी। गलती का मतलब है नहीं अगले बंदे नू फाए चार छोड़ो, गलती है उसनू समझायो, मुहब्बत वंडो साई नफरत च के पिया। वो एक हसद करके सारी जिंदगी वास्ते शैतान लानती हो गया, उसकी सारी इबादत मिट्टी च वड़ गई। उस हसद का कोई फायदा नहीं, इज्जत रुतबे सब कुछ उस मालिक की अता है, जिसनों उस इज्जत दी हो उसकी इज्जत करो, अगर उसकी इज्जत ना करे सो एक जुलम है। हुण तुसी की आदे हो, तुहाडा जाति के ख्याल है जस तो ताऊ दी ना मैं गल, तो उसके बाद अगू लोग मुतमिन हो कि उसके जवाब देवेन। इतने हर बंदे नूं इह एक दौड़ लगी खलीफा अर्यू दी, उसनों अगर कहीं नूं लताड़ना ही पवे ना तो उसके जमीर या ज़हन उन्हें मुलामत नहीं करेंदा वे यार तू क्या कर रहा पिया। फकत अपने नां थोड़ा जिहा उच्चा करन वास्ते ना अपनी जात दी पस्ती, जमीर मुर्दा, गैरत हया खत्म कर छोड़े ने लोग, सिर्फ अपने नां वास्ते। अपनी शोहरत दे सूरज नूं वाह देन वी इस ते शाम न होवे, शाम होवनी है। बड़े बड़े दुनिया आई तुर गई, राणा सदा उस बेनियाज दी जात है, वह हमेशा है और हमेशा रासी। बाकी दुनिया के मकाम है नारजी हैं, अज साडे कोल है कल कहीं होर कोल सी, जिदे कोल वे असी उदी कदर कर सां, उस असी तो खुशी नाल तस्लीम करें ने उन्हां। मीसम भाई ये दसो कि साडी नौजवान नसल जिहड़ी है ये किस पासे जा रही है, जिस नूं तुसी अपनी पंजाबी शायरी के जरिए मुखातिब करके ते उन्हूं एक पैगाम देंदे हो, ये साडी जिहड़ी नसल है किस पासे जा रही है? सही दा नावां दा कौल है भी अगर वालदैन 100% उस ना ते आवण वाली जिहड़ी उन्हां दी औलाद हो सी ना वो मर के 60-65 ते पड़दी। कुछ गलतियां साढ़े कोल होईयां मुआशरे दे विच और मुआशरे अपनी गलतियां नूं ना हालात ते असी अक्सर रोवणा ही होंदा वे जमाना बड़ा खराब है। बुरे तो लोग आउंदे ने, बुरा जमाना नहीं, एक गल हकीकत है, कोई शायराना नहीं। ये जेड़े बैठे हैं सारे कलमा गो सारे ये सारे अपने हैं, कोई बेगाना नहीं। कोई हाथ नू चाह सकदा है ते ये दसा सकदा है, रिया शिताना नाल मेरा याराना नहीं। ये पूरी गंगा ही जड़ी ने उल्टी बांधी पई, आवन वाली नसल को कोई नजरिया ही कोई नहीं ना। एक सोशल मीडिया है और बस यो ही है कि तुसी फार यू ते आ गए तो तुसी चंगे बन गए, फार यू ते आए बंदे नू कोई पर लगदे नहीं यार। मैं आधा में इजादात नू वधायो, मेहनत करो, पढ़ाई कम अज कम ना 23-24 साल तो बाद बच्चे नू अख्तियार दियो कि उस के करना, उस तो पहले उन्हें अख्तियारात ना दियो। उस अख्तियारात दे विच वो बहुत कुछ गलत कर बांदा और जेले इंसान नू हमेशा सोच आंदी ना कि मैं के करना, उस वेले उस तो कोल वक्त नहीं रहा। हुण असीं पछतांदे पए कि यार असीं के कीता, पढ़ लईआ भले नौकरी ना मिले, तालीम शऊर वास्ते जरूरी है, नौकरियां वास्ते नहीं जरूरी, इंसानियत वास्ते जरूरी है। बंदा हो के जै बंदयाई नहीं की, फिरौन हामान ते लानत, अबू जहल तो लैके अज ताई, अबू जहल तो लैके अज ताई हर विक बेईमान ते लानत। जेड़ी फोड़े मीसम कलमा गोनो उस तलख जबान ते लानत, जै जै भी कहीं दा हक खा दे हर उस इंसान ते लानत। तलख जबान मेन चीज है, फिरका वारियत सियासत जिसकी वजह तो नफरत होर बढ़ गई। फिरका वारियत यार हर बंदे दा एक अपना दीन है, उदा अकीदा है, अकीदा उतने तक बेहतर है जी अगर जितने तक वो अकीदे नाल मिले। अगर अकीदे तू हट वैसी ना तो वह तो अकीदत जड़िया होंदियां ना हमेशा शर्म का बायस बन दियां। मसलक जेड़ा जिवें है उसनु अमल करन दे बारे आखो, वह यार अमल कर अच्छाई दे बारे दसो, इतराजात नाल की होंदा यार, कुछ भी नहीं होंदा। अमल की कोशिश करो, अमल दे मैदान बंदे नू अगे वहीना चाहिए।
सलामत रहो जी, अल्लाह तुहानू खुश रखे मीसम भाई, तो वसते रहो तो इसी तरह अच्छी अच्छी जड़ियां ना जी नसीहतां ते गुफ्तगु साढ़े मुआशरे नू दसते रहो। अल्लाह करेगा कोई ना कोई तुहाडे सबक ते अमल करके ते बिल्कुल शायद के तेरे ओ दिल में उतर जाए मेरी बात। ए दुनिया इत्थे अज असियां कल कोई होर, कितने टुर वेंदे ने कितने आंदे पैन, सदा बादशाही उस सोने रब दी अखलाक तो वध के कोई शै नहीं। अल्लाह पाक दी दित्ती होई दौलत नू कदी जाती जतन न समझे, साड़ी गल नू फकत सलाह समझे, इनू मिन्नत दा मतन न समझे, अखी अखी फकत हया दियां उचियां मीसम, हर थार नू वतन न समझे, साड़ी चुप नू फकत शराफत समझे, सन बोस दिल कतन न समझे। अगर कोई बंदा बर वक्त रिएक्शन नहीं करेंदा तो दे मतलब नहीं वो कमजोर है यो जहल है, उसनू किसी गल का पता नहीं। नहीं, कुछ लोग बेचारे हयात चुप कर वेंदे, घाटे खा के ही आ दे, कोई नहीं खैर जरफ यह है ना कि तुसी घाटा सह बनो। मलक साहब तुसी मेरे नाल बैठे हो ना, मैं तुहाडा हया करेंदा ते तुसी मेरा हया करें, तो एक कारोबार है। हया उदा आसी वे जदा तुसी मेरा हया न करे सो, तो मैं तुहाडी कंढ मगरों ही तुहाडा हया करेंदा, उहनू रठी की आ दे। समझ आंदी पई, वडियाईआं नाल वड्डे नहीं बनदे, पत्ता रुखां दा लगदा फल तों, कोई ना नाल मलक लिखेंदा वत्ते बंदे राठ से आप दिन गल तू, जेड़े मीसम खून हला लियो में नहीं पैर पटेंदे तल तू, काम जर्फ औकात तू बाहर हो वेंदे बख्तां दी निकी जई छाल तू, ऐ थोड़े जे बख्त दी रत्ती के मासा तो बड़ी दूर दी गल, रत्ती आवे तो बंदे रंग बदल वेंदे, और रंग बदलने नू बंदे आई नहीं आते। बंदे आईए मौला दा फरमान है वे चस तां है, वे बंदा फर्द होवे तो कहीं नू माफ कर देवे, जा सोणिया तेन माफ किया तेन को जनाता, ओ अजीम इंसान है। इस्लाम कानून जब रूहे जमीन से आया तो कुदरत उन्होंने फितरत का कानून दिता, शरीयत उस वेले कहीं नहीं, फितरत के कानून दे विच लोग जिंदगी गुजरेंदे आए। जिले इंसान दी ख्वाहिशां वधनियां शुरू हुई तो कुदरत उन्होंने शरीयत शरीयत का कानून दिता भाई इस दी ख्वाहिशां नू रुके सी। दो कानून इन फितरत का, फितरत ऐसी चीज है ना भाई वह पैर ते जवाब देंदी बंदे नू, शरीयत दा गां बरोजे माशर हिसाब किताब असी, फितरत दे जेड़े कानून ने नो कोई बदला नहीं सकदा, किसे नहीं करी जात बदली। इने गल खुश रहो जी मीसम भाई, ते उम्मीद है नाजरीन तुहानू आज दी ये वीडियो अच्छी लगी होएगी, पसंद आई होएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे पसंद आवे ते लाइक कमेंट जरूर करो, अपना फीडबैक भी जरूर दिता करो, ते साडी रहनुमाई भी कीती करो। फी अमान अल्लाह, पहले हो गए अल्लाह हाफिज़।